पहले ही आपको बता दिया था काफ़ी दिन पहले, मैं फिर से आपको बता देती हूँ, रिपीट करती हूँ कि स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट ये है, अल कादर में सजा हुई है, अल कादर में जब सजा हो जाएगी तो फिर उसके अगले दिन साइफर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि साइफर में सबको पता कुछ नहीं है। अब तो मेरे ख्याल में जजेस पर भी बड़ा शर्मिंदा होंगे कि ये आज के वो जजेस बाहर ही नहीं आए, कोर्ट में नहीं आए बेचारे, क्योंकि मेरे ख्याल में उनकी भी शर्मिंदगी है कि इतना अहमकाना जो अंदर बैठे होते हैं, अगर हमारे जर्नलिस्ट या कोई जो लिख रहे होंगे उनको भी पता है कि पिछली हियरिंग पे हमें तो पूरा कल लॉ का लेसन, हमने तो आज का हमें भी लॉ की डिग्री दे दें जितना आप हमें किताबें खोल खोल के पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये स्क्रिप्ट है, इन्होंने नहीं कंक्लूड करना, उसके लिए फ़र्क हरबे ढूंढे जा रहे हैं। लेकिन हम भी सब्र से बैठे हैं, हम आते हैं, हमें 3 घंटे आज बैठाया गया और जजेस साहब जिन्होंने खुद तारीख दी थी वो बाहर ही नहीं आए। तो अगर अब यही बेचारे कर सकते हैं, उन पर भी मुझे तर्स आ रहा है कि क्या प्रेशर होगा कि उनको कागज़ को डिले करो। अब जो प्रोसिक्यूशन के लॉयर हैं वो भी बड़े शरीफ हैं, तो बहुत हमें पसंद आए, बड़े शरीफ और महजब के सब के इंसान हैं, लेकिन वो बेचारे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो आज कंक्लूड करने लगा था। तो अगर वो वेंसडे कंक्लूड कर देते हैं तो ये तो मिडल ऑफ क्या दरमियान में हम मई के, मेरा नहीं ख्याल मई की अभी तैयारी है, पता नहीं अब क्या करेंगे, शायद छुट्टियों पे चले जाएं। अब आप बस देखते रहें कि ये क्या किस तरीके से इसको डिले करेंगे। इद्दत का आपको पता है 7 साल की कन्विक्शन है और उससे अहमकाना या शर्म वाला केस नहीं होगा, जबकि बुशरा बीबी की बेटियों ने गवाहियाँ भी दे दी हैं, जिस जो पिछले ट्रायल कोर्ट में उनको एडमिट नहीं करने दिया हमारे लॉयर को, सलमान राजा को, कि हमें उनको सोशल मीडिया पे डालना पड़ा। अब उनकी गवाहियाँ भी हैं, बेटियों की भी, अब वो जज क्योंकि कहीं फैसला ना दे देता, जज ही छुट्टी पे चला गया, कल कोई और जज छुट्टी पे चला जाएगा, कल कोई फिर अगला जज बीमार हो जाएगा, फिर प्रोसिक्यूशन चली जाएगी। ये ड्रामा आप और हम देखते रहेंगे, लेकिन याद रखें इमरान खान ने कहा था मैं सारे केसेस का सामना करूँगा और अपने आप को बेगुनाह साबित करके निकलूँगा। अब इंशाल्लाह इन सबको मुसीबत पड़ी हुई है कि बेगुनाही का जब वक्त आ गया है फैसले देने का, तो अब इनको समझ नहीं आ रही कि उसको डिले कैसे करें, और कोई वजह नहीं। अच्छा, आज 9 मई है, राणा सनाउल्ला साहब से जो है वो बात हुई मेरी, तो उन्होंने कहा कि इनको हमने बहुत देर कर दी सजाएं देने में, इनको पहले ही जो है वो सजाएं दे देनी चाहिए थी, तो अब जो है आप इनको लटकाने का टाइम आ गया है। सजाएं की काम तो करें ना। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, इसके लिए हम स्टेटमेंट दे देंगे जो जिम्मेदार है 9 मई का, और जिन्होंने 22 लोगों की शहादतें की, जिन्होंने गोलियाँ चलाई, मैं कहती हूँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो इसका जिम्मेदार है 9 मई का, जिन्होंने इमरान खान रोज़ कहते हैं, जिन्होंने सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज चुराई है, उनको क्या टांगना चाहिए, उनको सही कह रहे हैं, उनको फांसी देनी चाहिए, जिन्होंने ये 9 मई किया है और जिन्होंने लोगों की शहादतें की हैं, जिन्होंने बेकसूर लोगों को जेलों में डाला है, उनकी सज़ा आज नहीं तो कल इंशाल्लाह होगी। आज पीटीआई की जो रैली है मुख्तलिफ कुदरत की तखलीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या सालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराहे रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहे हर लम्हा बाखबर। कुदरत
हर वक्त बर वक्त।